बोलने का मौका मिल रहा है। अंकित नहीं हो रहा है, बैठिए। आज चार साल जिसमें एक ऐतिहासिक काम माननीय अशोक गहलोत जी सरकार ने किए हैं, मैं इस कार्यकाल को एक स्वर्णिम कार्यकाल कहूँगा। वो इसलिए कि एक तरफ आज़ादी का हम 75वां साल मनाने जा रहे हैं, जहाँ 71 साल के बाद इन चार सालों की तुलना करें तो शायद बहुत कुछ देखने और सुनने को और मिलेगा आपको। एक तरफ जहाँ 71 साल में 200 कॉलेज पूरे राजस्थान में हुआ करते थे, आज इन चार सालों में 240 से ज़्यादा कॉलेज खोल दिए गए। आप तुलना करते हैं तो समझ में आता है क्यों मैं इसी को ऐतिहासिक कार्यकाल करने जा रहा हूँ। आज इस चार साल में चिरंजीवी योजना, जहाँ 70 सालों में हमने देखा है कि किस तरह तड़पते हुए परिवारों को इलाज के लिए मोहताज होते हुए, वो आज इस दो सालों में जब से चिरंजीवी योजना आई है, लोगों के जो ये होते थे कि हॉस्पिटल के नाम से जिनकी हो जाती थी कि कैसे हॉस्पिटल जाएंगे, हमारी जेब खाली है, आज उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब अस्पताल जाते हैं तो वहाँ चिरंजीवी की योजना के माध्यम से उनको लाभ मिल रहा है। आज पूर्व माननीय सदस्यता कह रही थी कि कोरोना जो आया उसको खत्म टीका मोदी जी लेके आए उसकी वजह से हुआ। आज तक यही सुना देखा है कि जब भी कोई महामारी आई है हमेशा केंद्र की सरकार टीका लेके आई है और उसका फ्री लेके आई है, पर पहली बार इस महामारी में देखने को मिला कि जो टीका आया उसको युवाओं के लिए पैसा देके उसको खरीदने के लिए मोहताज किया गया। राजस्थान सरकार आगे आई और उन्होंने पहल की। एमएलए लैंड का पैसा कोरोना टीके के लिए सरकार को जमा ना कराना पड़ा। चिकित्सा मंत्री बैठे हैं, वो बता देंगे 100 करोड़ रुपए जब जमा कराए, बोलिए 100 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे तब केंद्र की सरकार ने टीका दिया, और उसके बाद केंद्र की सरकार जब लोगों का विरोध हुआ तब बैकफुट पे आई, और उसके बाद में उसको फ्री किया गया था। सुनिए प्लीज बैठिए बीच में। जब बिल्कुल 2 महीने बाद में केंद्र की सरकार बैकफुट में आई थी और उसके बाद में उन्होंने निर्णय किया, उस टीके को फ्री किया था। उससे पहले चिकित्सा विभाग ने 100 करोड़ रुपए जमा कराए थे तब राजस्थान को मिला था। बिल्कुल आप डेटा देख ले, आपस में नहीं बात करिए, चालू रखिए आप। आज पूर्व वक्ता कह रहे थे कि कश्मीर में राहुल जी झंडा फहरा रहे हैं तो मोदी जी के कारण फहरा रहे हैं। सही है, बात सही है। कश्मीर जो 1971 में जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, पाकिस्तान को घुटनों के बल टेका था, 95,000 से ज्यादा शहीद उस समय पाकिस्तानियों को वहां, सुनिए प्लीज, ये पाकिस्तानी सैनिकों को वहां बंदी बना लिया गया था, उसके बाद उसको खदेड़ दिया गया। उसके बाद जब आप बोल रहे थे तो ये सुन रहे थे, अब ये बोल रहे हैं, आप भी सुनिए प्लीज, बोलिए। और उस पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए तब आज झंडा फहराया जा रहा है। आप कंटिन्यू करिए अपना, आज नया हमारा एमएलए है, आप अपना कंटिन्यू करिए। 4 साल के कार्यकाल आप शांत रहे, पहली बार आप बोलेंगे हम भी टोकेंगे। पहली बार गायों के गौशालाओं के लिए 6 महीने का जो अनुदान था 9 साल के लिए किया गया, 6 महीने के लिए था, 9 महीने के लिए किया गया, 9 महीने के लिए किया गया है। कहीं आप हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाइए 9 महीने का अनुदान आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो माननीय अशोक जी गहलोत ने किया। दुग्ध उत्पादों के लिए अनुदान 2 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए इसी सरकार में हुआ है, इसी सरकार के कार्यकाल में हुआ है, जो देखने को मिला। प्लीज डोंट डिस्टर्ब हिम, उनको दिक्कत आती है। आज मैंने कहा 4 साल ये स्वर्णिम क्यों है, स्कूलों की बात कर रहे हैं। प्लीज सुनिए माननीय सदस्य को, अच्छा पहली बार एक साथ नहीं मेरे विधानसभा क्षेत्र में, इट वुड नॉट बी अलाउड दिस बैड। वो उनको बोलने का अधिकार है, बोल रहे अपने टर्न पर, बीच में नहीं बोलिए, बोलिए आप, बोलिए भाई, आप चुप क्यों हो जाते हैं, बोलिए ना अपना कंटिन्यू। पहली बार एक साथ मेरे विधानसभा क्षेत्र में 52 स्कूल क्रमान्वित हुए सीनियर सेकेंडरी में,
आजादी के 71 साल और 4 साल जिसमें पहली बार 52 स्कूल क्रमोन्नत हुए। क्या ये स्वर्णिम काल नहीं है राजस्थान के इतिहास का? आज राजस्थान में पिछले अगर 4 साल की बात करें 1000 से ज्यादा प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्कूलें क्रमोन्नत हुई हैं। अंग्रेजी माध्यम की 1700 से ज्यादा स्कूलें खोली हुई थी। 71 साल में एक भी स्कूल कहीं अंग्रेजी माध्यम की अपन ने देखी है? पहली बार राजस्थान में हो रहा है अंग्रेजी माध्यम की स्कूल खुल रही है और वहां बच्चे पढ़ रहे हैं, लाइन लगा के आने वाले समय में अपना समाप्त करिए। 2 मिनट सभापति महोदय, 2 मिनट का कहे, 2 मिनट में मैं निर्धारित की बात करूंगा। समय निर्धारित, बहुत कुछ मुख्यमंत्री जी ने दिया है पर इस बजट में मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग मेरे क्षेत्र के लिए कह रहा हूँ कि लोगों की बहुत बड़ी अपेक्षा है इस बजट से कि सुजानगढ़ को वो पुराना गौरवशाली इतिहास वापस लौटा दे, पुराना जो वैभव था उसका जिले का, पुनः सुजानगढ़ को जिला बनाकर उसका जो पुराना इतिहास है वो लौटा दे। क्योंकि सुजानगढ़ जब आज़ादी से पहले रियासत काल में जिला हुआ करता था पर 1949 के पुनर्गठन के बाद में जिले का अस्तित्व उसका खत्म हो गया। आज समय आ गया है, राम लुभाया कमेटी बनाई गई है जिसकी रिपोर्ट जब भी सरकार के पास आए आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, अपनी बात पहुँचना चाहूँगा कि पुनः सुजानगढ़ को जिला बनाकर वहाँ के लाखों लोगों की जो अपेक्षाएँ हैं इस सरकार से वो पूरी कर दे। सुजानगढ़ एक ऐतिहासिक था उस समय जब स्टेट टाइम में जिला हुआ करता था, उस समय वहाँ SP बैठा करता था, आज पुनः जिला बिठाकर वहाँ SP कलेक्टर बिठाता है। आज पिछले 4 साल में एडिशनल SP अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय DTO कार्यालय सब भूल चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ बाकी है तो SP कलेक्टर बिठाने का। इसलिए मेरी यही मांग है सरकार से कि सुजानगढ़ का गौरवशाली इतिहास एक बार पुनः लौटा जाए, जो उसका आज़ादी के बाद जो 1949 से पुनर्गठन हुआ जिसमें जिले का अस्तित्व समाप्त हो गया, पुनः जिले का अस्तित्व बनाकर सुजानगढ़ को जिला बनाया जाए। इसी मांग के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।